हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया था मेरे पास कि 12 13 और 14 करवा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्सप्रेस टेन इनवर्स ऑफ कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी एंड डड्यूज दैट कॉस फाई माइनस वन अपॉन थ्री कॉस थ्री फाई प्लस वन अपॉन फाइव कॉस फाइव फाई माइनस वन इक्वल टू पाई अपॉन फोर। कह रहा है एक्सप्रेस कीजिए टेन इनवर्स ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सर ये बी मैंने स्मॉल लिख लिए थे, ये कैपिटल बी है, ठीक है आप लोग लिखने कैपिटल बी। और रिड्यूस करना है फिर कॉस फाइव माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, पाई अपॉन फोर के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम एवेलुएट करते हैं, सारे स्टूडेंट कंसंट्रेट से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट टेन इनवर्स ऑफ कौन सा टेन इनवर्स ऑफ ये वाला कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई विच इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मैंने लेट कर दिया कि ये चीज़ किसके बराबर है, ए प्लस आयोटा बी के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना आपको। हाँ जी, तो देखिए अब देखिए देयर फोर अगर टेन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस है तो इसको मैंने लेट किया कि ये चीज़ इसके बराबर है। अब दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स ऑफ, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ई की पावर आयोटा फाई, भाई कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई को मैं लिख सकता हूँ ना, ई की पावर आयोटा फाई लिख सकता हूँ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स ये आपने ग्रेगरी सीरीज में पढ़ा हुआ है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इंटू एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव इंटू एक्स की पावर फाइव, ऐसे ही होता है। अब इधर एक्स की जगह पर क्या है, ई की पावर फाइव, ई की पावर आयोटा फाइव, तो मैं लिखूँगा एक्स माइनस होता है ना, तो एक्स की जगह पर ई की पावर आयोटा फाइव माइनस वन अपॉन थ्री ई की पावर आयोटा फाइव का क्यूब, ठीक है, प्लस वन अपॉन फाइव ई की पावर आयोटा फाइव की पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? ओके ठीक है, दिस सिंपलाइज। अब यहाँ से आगे देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा फाइव माइनस वन अपॉन थ्री ई की पावर, ई की पावर आयोटा फाइव की थ्री का मतलब है ई की पावर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना ई की पावर थ्री आयोटा फाइव, भाई ए की पावर आयोटा फाइव का क्यूब का मतलब यही है ना, ए की पावर थ्री आयोटा फाइव प्लस वन अपॉन फाइव ए की पावर फाइव आयोटा फाइव, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस वन इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए दिस सम्प्लाइज, ये दिख रहा आपको? हाँ जी, दिस सम्प्लाइज ई की पावर एयोटा फाइव को मैं वापस से वही लिख देता हूँ क्या, कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव, ठीक है स्टूडेंट, माइनस वन अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एयोटा फाइव का मतलब क्या है, कॉस थ्री फाइव प्लस आयोटा साइन थ्री फाइव, ठीक है, और प्लस वन अपॉन फाइव इंटू ऐसे ही कॉस फाइव पाई प्लस एयोटा साइन फाइव, फाइव पाई इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी इक्वल टू आप लिख लें ए प्लस एयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, रियल पार्ट को इक्वेट कर देना है, तो मैं लिखूँगा इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी गेट। अब रियल पार्ट को जब ऑपरेट करूँगा इक्वेट करूँगा सॉरी इक्वेट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए रियल पार्ट को इक्वेट किया तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, कॉस फाइव माइनस वन अपॉन थ्री कॉस थ्री फाइव प्लस वन अपॉन फाइव कॉस फाइव फाइव और इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी है आयोटा बी आगे इसके आगे इक्वल में है ना, ए प्लस आयोटा बी, तो ये वाला इमेजिनरी है ये वाला रियल है, तो इट मीन्स रियल पार्ट
इधर से आ जाएगा cos phi, आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, वी गेट cos phi माइनस 1 अपॉन 3 cos 3 phi, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1 अपॉन 5 cos 5 phi, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 1 इक्वल टू a, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके बाद, अब फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन मैंने मानी थी कि टेन इनवर्स ऑफ कॉस फाइव प्लस एवटा साइन फाइव इक्वल टू ए प्लस एवटा बी होता है, तो टेन इनवर्स ऑफ दिस था ना, फर्स्ट इक्वेशन से टेन इनवर्स ऑफ दिस था, तो मैंने टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स को जब मैं आगे ले जाऊंगा तो टेन ऑफ हो जाएगा, तो टेन इनवर्स का टेन बन जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट से वी गेट, मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में टेन इनवर्स ऑफ दिस जो गिवन था इक्वल टू ए प्लस एवटा बी था, वो टेन इनवर्स जब आगे जाएगा तो टेन ऑफ हो जाएगा, तो टेन ए प्लस एवटा बी किसके बराबर बन जाएगा, कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि टेन इनवर्स इसके साथ था, तो जब इसके साथ आएगा ए प्लस एवटा बी के साथ तो टेन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस एवटा बी इसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज टेन ऑफ ए माइनस आयोटा बी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं आयोटा को रिप्लेस कर दूं माइनस आयोटा के साथ, तो आपके पास आ जाएगा कॉस फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब टेन टू ए का फार्मूला लगाएं, अगर अगर मैं टेन ऑफ टेन टू थीटा होता है ना, ऐसे ही टू थीटा की जगह पर ए, तो टेन टू ए का फार्मूला आपको पता है कि टेन टू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टेन ऑफ ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी लिख सकता हूँ ना ऐसे में, क्योंकि ए और ए टू ए हो जाएगा टेन टू ए, और आयोटा बी प्लस का माइनस का कट जाएगा, इट मीन्स टेन टू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इक्वल टू, इसी इक्वल के नीचे इक्वल मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए आपके पास ये फार्मूला बन गया टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आगे आप लोग खुद कर लोगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन ए की जगह पर ये प्लस टेन बी की जगह पर वो अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जो ए प्लस एवटा बी की फॉर्म मैंने ये लिखी वो लिख ले, वो लिखेंगे आप, और प्लस टेन ए माइनस एवटा बी की जगह पर ये लिखेंगे, अपॉन वन माइनस की जगह पर वो लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। वहाँ से ऊपर से एड प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू कॉस फाइव, ठीक है स्टूडेंट। तो वहाँ से आपके पास टू ए का फार्मूला निकल जाएगा, जब ए का मतलब टू ए निकल जाएगा, जब ए की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन फोर, फिर फ्रॉम अब फ्रॉम सेकंड और फिफ्थ से आप लिख लोगे कि ये आपके पास वैल्यू आ गई पाई अपॉन फोर के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे देख लो, इधर देखें, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, मैंने लिखा टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए, टेन ए प्लस टेन बी, तो ए की जगह पर ए प्लस आयोटा बी प्लस टेन ए माइनस आयोटा बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वल टू, अब टेन ए प्लस आयोटा बी किसके बराबर है, कॉस फाइव के बराबर, कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन के बराबर, और इंटू ये किसके बराबर, सॉरी प्लस ये किसके बराबर है, कॉस फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव के बराबर। सिमिलरली वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए प्लस एवटा बी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस फाइव प्लस एवटा साइन फाइव, और इंटू टेन ए माइनस बी हो जाएगा कॉस फाइव माइनस एवटा साइन फाइव, ठीक है स्टूडेंट। जब ये वैल्यू लिखोगे उसके बाद इसको आपने क्या कर देना है, एवेलुएट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी टू कॉस फाइव, न्यूमिनेटर में ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन माइनस कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब आ जाएगा टू कॉस फाइव अपॉन
वन माइनस कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो, तो वन माइनस वन जीरो तो आ जाएगा वन माइनस वन जीरो, तो दिस अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी। इट मीन्स ये किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। अब जब जबकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो देयर फोर टू ए, देयर फोर इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, टेन टू ए इक्वल टू इन्फिनिटी। अब दिस सप्लाइज टू ए इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कहाँ पे होती है भाई, इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्री में टेन इनवर्स जो होता है वो टेन, सॉरी नॉट डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में टेन की कहाँ किस वैल्यू पे नॉट डिफाइन होता है, पाई अपान फोर पे नॉट डिफाइन, सॉरी पाई अपान टू पे नॉट डिफाइन होता है। तो इट मीन्स मैं टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई अपान टू, तो टेन और टेन कट जाएगा, तो इट मीन्स इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होती है, पाई अपान टू। तो दिस सप्लाइज ए की वैल्यू आ जाएगी पाई अपान फोर। ठीक है स्टूडेंट, ये टू मल्टीप्लाई में था, आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, पाई अपान फोर हो जाएगा, ए की वैल्यू पाई अपान फोर हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड आप इसको इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई इसको मान लेते हैं इक्वेशन फाइव, सॉरी फाइव नहीं, कौन सी इक्वेशन बनेगी भाई, पीछे मैंने फर्स्ट और सेकेंड माने थे तो इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस फाइव माइनस वन अपान थ्री कॉस थ्री फाइव प्लस वन अपान फाइव कॉस फाइव पाई इक्वल टू पाई अपान फोर, क्योंकि मैंने सेकंड में लिखा था कि इक्वल, जब मैंने सेकंड इक्वेशन बनाई थी इक्वेट किया था रियल पार्ट्स, रियल पार्ट में इक्वेट करने के बाद इक्वल टू ए आया था, ए की वैल्यू पाई अपान फोर लिख लेंगे, बस यही वैल्यू पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, आपके पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ये बस इस तरीके से करना, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सम द सीरीज 7 अपॉन 1.3.5 प्लस 19 अपॉन 5.7.5 प्लस 5.7.9 प्लस 31 अपॉन 9.11.13। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 7 के बाद 19, 19 के बाद 31, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12। देखिए 12 का डिफरेंस आ रहा है ना, 7 के बाद 19, 19 के बाद 31, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म 12 हैं तो इसको करना किस तरीके से, देखिए आपको मैं इसका तरीका बता देता हूँ। आप लिखोगे द गिवन सीरीज इज, गिवन सीरीज ये लिख लोगे। ठीक है, गिवन सीरीज लिखने के बाद देयरफॉर टी एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू फार्मूला होता है 7 प्लस, मतलब ये ए प्लस जो फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू 12, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का, 7 प्लस एन माइनस वन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू उनका डिफरेंस कितना है 12 अपॉन फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ठीक है नंबर ऑफ टर्म के लिए, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, फिर आप इंटू फोर प्लस प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू फोर। ठीक है सुनिए, समझ आ रहे हैं ना, पहले वन के लिए फार्मूला लिखा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, फिर थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, फिर इंटू फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू फोर। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, कैसे कि फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू इनका डिफरेंस कितना है 12 अपॉन जो इसका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर देना है, 4 हर एक साथ मल्टीपल होगा, प्लस 3 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, फिर 5 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लेना। अब देखिए इक्वल टू 12 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 12 एन माइनस 12, तो 12 में से 7 निकालो तो कितना होगा, सॉरी 7 में से 12 निकालो तो माइनस का 5, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा 12 एन माइनस 5 अपॉन, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 1 4 एन माइनस 1 तो आ जाएगा 4 एन माइनस 3, और आगे वाले को करोगे तो 4 एन माइनस 1 और उसके आगे वाले को करोगे तो 4 एन प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट,
ये चीज हो जाएगी। अब इक्वल टू देखिए, अब देखिए, अब एन की वैल्यू जब मैं क्या कर दूं इसको, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस, वेरी वेरी सॉरी, ये मुझे इसके आगे फार्मूला मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो आप, इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा मुझे इसके आगे फार्मूला जो था वो दिमाग से स्किप हो गया, इस टाइम याद नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस सीरीज़ को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, स्किप हो गया, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा मैं दिमाग पर, तो कोई नहीं, इसको पेंडिंग रखो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से किया जाता है, 14 को देखिए आप, तो इसको 13 को पेंडिंग रखें, ठीक है। अब स्किप हो गया है, ज़ोर डालने का कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा ज़ोर डाला मुझे मैंने, तो नहीं आ रहा याद, तो कोई चक्कर नहीं, कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है क्या है, जियो हैज अनाउंस्ड, पता नहीं क्या मैसेज है यार, पता नहीं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्रूव दैट 1+1/3 -1/5 -1/7 = π/2√2। कह रहा है इसको प्रूव कीजिए π/2√2 के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसको करना किस तरीके से है, आप बाई ग्रेगरी सीरीज से या फ्रॉम ग्रेगरी सीरीज से आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पर अगर मैं रूट आयोटा लिख लूँ, तो रूट आयोटा की tan इनवर्स ऑफ x की जो एक्सपेंशन होती है वही हम tan इनवर्स ऑफ रूट आयोटा को लिखेंगे। तो x की tan इनवर्स ऑफ x की एक्सपेंशन होती है x माइनस 1/3, तो x की जगह पर रूट आयोटा है, तो मैं लिखूँगा रूट आयोटा माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर 3, तो x की पावर 3 है, तो इधर रूट आयोटा, x की जगह पर रूट आयोटा को मैं लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 1/2, तो उसकी पावर 3 है, तो 3/2 आ जाएगा, इट मीन्स आयोटा की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली प्लस 1/5 इंटू आयोटा की रेज टू पावर 5/2, ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अगर मैं आयोटा की पावर 3/2, 5/2, मतलब 2/2 सब में आ रहा है, तो मैं आयोटा की पावर 1/2 ले लूँ अगर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा आयोटा की पावर 1/2 कॉमन आ गई, तो अंदर बचा 1 -1/3 इंटू आयोटा बचेगा, इंटू आयोटा प्लस 1/5 इंटू आयोटा का स्केयर प्लस सो वन, ठीक है स्टूडेंट, माइनस सो वन सॉरी। अब इक्वल टू देखिए, अब आयोटा की पावर 1/2, जैसे आयोटा को हम लिखते हैं ना कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, सिमिलरली आयोटा की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ना कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, लिख सकता हूँ ऐसे में, तो लिख लिया मैंने इनटू, और आगे वैसे ही 1 -1/3 इंटू आयोटा प्लस 1/5 इंटू आयोटा का स्केयर माइनस सो वन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, कॉस π/4 किसके बराबर होता है भाई, 1/√2 के बराबर है, और प्लस आयोटा साइन π/4, ये भी आयोटा साइन π/4 1/√2 है, अगर मैं 1/√2 ले लूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, कॉस π/4 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 बाहर ले लूँ, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 और इसकी जगह पर आ जाएगा आयोटा, ठीक है स्टूडेंट, और अंदर वैसे ही लिखूंगा 1 -1/3 प्लस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट, आगे अंदर वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं क्या कर लूँ इसका रियल पार्ट इक्वेट कर दूँ, तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1 + 1/3 -1/5 फिर -1/7 इस तरीके से चलता जाएगा, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लिख सकते हो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, इस चीज़ का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू जो भी है क्या नाम है कॉस सॉरी कॉस नहीं
वन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस, इस तरीके से ये रियल पार्ट हो जाएगा। आपने रियल पार्ट एवेलुएट कर देना है, जब रियल पार्ट आ जाएगा आप उसके बाद आपने क्या कर देना है, लेट कर देना है टेन इनवर्स ऑफ रूट आयोटा को किसके बराबर, टेन इनवर्स ऑफ रूट आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो जब आपके पास यहाँ पर पहुँचने के बाद आप जब लेट करोगे टेन इनवर्स ऑफ मतलब लेट करोगे सॉरी इक्वेट करोगे रियल पार्ट, इक्वेट करने के बाद आप क्या करोगे, लेट टेन इनवर्स ऑफ रूट आयोटा को आप लेट कर लोगे क्या, टेन इनवर्स ऑफ, अब रूट आयोटा को आप लिख सकते हो ना कॉस पाई अपॉन फोर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन फोर, ठीक है स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये किसके किस चीज़ के बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है स्टूडेंट, वेयर एक्स इक्वल टू दिस टेन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई फोर एंड वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई फोर, मैंने लेट कर दिया, ठीक है। तो देयर फोर अगर टेन इनवर्स ऑफ रूट आयोटा इसके बराबर है, तो देयर फोर टेन इनवर्स ऑफ अगर मैं कॉस पाई अपॉन फोर माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन फोर कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर टेन इनवर्स ऑफ कॉस पाई अपॉन फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है, तो देयर फोर टेन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई फोर माइनस वाला जो है वो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब ये जो इक्वेशन बनी ना, एक बनी टेन इनवर्स ऑफ रूट आयोटा, दूसरी बनी टेन इनवर्स ऑफ मतलब एक बनी कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा, दूसरी बनी कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन आयोटा, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आपके पास मिलेगा टू एक्स इक्वल टू, मतलब क्यों, क्योंकि x और x 2x हो जाएगा और एयोटा वाई और एयोटा वाई कट जाएगा, तो ऐड करने के बाद जब मैं एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो वी गेट x और x 2x हो जाएगा इक्वल टू, तो इसको और इसको ऐड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाई फोर माइनस आयोटा साइन पाई बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग लिखेंगे खुद, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, तो वो होता है a प्लस b अपॉन, या आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन वन माइनस a इंटू b, a की जगह पर ये है b की जगह पर ये है, ठीक है स्टूडेंट, तो फार्मूला लगाएंगे वहाँ के, उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू निकलेगी आपके पास पाई अपान फोर, जब पाई अपान फोर निकलेगी तो फिर x की वैल्यू आप पुट कर देंगे वापस उसी पीछे वाली इक्वेशन में, आपके पास जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप अब इसके आगे आप लोग खुद कर लोगे, अगर नहीं इसके आगे नहीं भी कर सकते फिर भी आप लोग मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको कॉपी पर लिख कर सेंड कर दूंगा, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप जितना पढ़ाया आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो उसको पेंडिंग रखो, सॉरी 12 था 13 था जो भी था 13 है शायद, एक मिनट देख लो, हाँ जी 13, तो 13 वाला सॉरी मुझे स्किप हो गया दिमाग से, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है। तो ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर लोगे इसके आगे, ठीक है, अगर नहीं हो पाया इसके आगे नहीं सॉल्व कर पाए मुझे रिप्लाई करना, मैं आपको फोटो कॉपी भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।